गाइस वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। तो मैं हूं तुम्हारा भाई अर्शद नोएडा से। तो गाइस आज हम अपने गांव की तरफ को जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि भाई आप लोगों को थोड़ी टिप्स दे दूं कि सिंगल रोड पे गाड़ी कैसे चलाते हैं और गांव की रोड पे अगर आपके सामने से कोई आ जाए तो आप गाड़ी को कैसे बचा सकते हैं। तो रोड की तरफ अगर हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो सिंगल रोड में भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ओवरटेक करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो आपके दोनों साइड मिरर्स की तरफ। मेरा एक साइड मिरर टूटा हुआ है यार, उसकी थोड़ी अपॉलॉजी है, अभी गिर गया था वो। और एक इधर वाला साइड मिरर और ORVM। तो आपको इन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आगे से कौन आ रहा है, पीछे से कौन आ रहा है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या करते हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। आपका जो ध्यान है वो कभी भी ना गियर पे और नीचे की तरफ आपकी नजरें नहीं होनी चाहिए कभी। आपकी जो नजर है वो हमेशा रोड की तरफ होनी चाहिए और दूर की दृष्टि आपको रखनी है गाड़ी चलाते हुए कि भाई आगे से कौन आ रहा है, पहले से देख लो। जैसे अब आगे वो बुग्गी आ रही है मेरी तरफ को, अब इससे मुझे गाड़ी बचानी है। तो इस चीज का मतलब हमें देखना पड़ेगा हमारी गाड़ी कितनी उसमें बचेगी और क्या बचेगी। सबसे पहले आप दूर से हॉर्न मार दो इनको कि जगह बन जाए हमें, और ये अपनी गाड़ी आराम से निकल गई। अगर जब आपको डाउट होता है ना 1% भी गाड़ी निकलेगी या नहीं, तो आप इस वाले साइड मिरर का यूज कर सकते हो, देख सकते हो कि हमारी गाड़ी में कितनी जगह बच रही है उस वाली साइड वाले व्हीकल से जो भी है। तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कितनी जगह है और कितनी जगह में आपकी गाड़ी निकल जाएगी। आगे कोई बड़ा व्हीकल आता है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कैसे निकालनी चाहिए हमें। कभी कभी कैसा होता है कि आप मेरे को कैमरा इधर दिखाओगे, अगर जैसे ये आपकी साइड की ये है ना, ये जहाँ घास सी है, कभी कभी बिल्कुल इसकी एज से गाड़ी बचानी पड़ती है गाँव वाली सड़कों पर। कि भाई देखो हम लोग ज्यादातर नोएडा और पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं, यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी होती हैं, पर जो रूरल एरियाज होते हैं उनकी सड़कें आपको पता ही है कैसी होती हैं, बिल्कुल ऐसी नैरो सड़कें होती हैं। और इस पर भी कभी कभी ट्रक आ जाता है सामान सामने से या कुछ आ जाता है, तो भाई हम लोग होपलेस हो जाते हैं एकदम कि भाई अब कैसे गाड़ी बचाएं, क्योंकि हमें भाई जगह दिखती नहीं है कि गाड़ी निकलेगी या नहीं। लेकिन गाड़ी को इतनी ज़्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए होती निकालने के लिए, और आराम से गाड़ी एक निकल सकती है अगर बचनी चाहे तो। अब आगे से शायद कोई एक और व्हीकल आ रहा है, वहाँ आपको दिखाता हूँ मैं कैसे गाड़ी निकालता हूँ। तो गाइस देखो सबसे पहली चीज़ ये है, जैसे कि सामने से कोई मान लो बड़ी गाड़ी आ रही है और आपको ये दिख रहा है कि हमारी गाड़ी निकल ही नहीं सकती, बिल्कुल निकलेगी नहीं, जगह ही नहीं है, तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, रोड पे आप ये पॉइंट देखो जहाँ थोड़ी सी जगह इधर हो और थोड़ी सी इधर हो, आपको गाड़ी थोड़ी उसके पीछे करवानी पड़ेगी, आपको आगे लेनी पड़ेगी, आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना है, ठीक है। जैसे ये है, यहाँ पे ये बीच में खड़ा होता और जगह नहीं है, तो मैं इसकी थोड़ी साइड करवाता, उसके बाद जगह देखता कि कहाँ से निकल सकती है गाड़ी, तब हम निकालते अपनी गाड़ी को। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। और भाई अपने जंगल वंगल में जब गाड़ी आप चला रहे हैं ऐसे रोडों पे, तो आपको ना खेतों की तरफ भी नजर रखने की, क्योंकि हाँ ऐसा होता है कभी कभी नील गाय आ जाए रोड पे, तो आप उस चीज को पहले से ध्यान में रख लोगे। आपको इधर उधर ध्यान ना रख के आपको निगाह रखनी है रोड पे कि रोड पे कौन चल रहा है और कहाँ क्या हलचल हो रही है। तो मेन चीज ये होती है भाई, अगर सड़क पे चल रहे हो आप गाँव वाली पे, देखो NCR की सड़क में चलना बहुत आसान है, और यहाँ की जो होती है ना खाली तो रहती है, पर सामने से अगर बुग्गी आ गई या कुछ आ गया XYZ तो बड़ी दिक्कत हो जाती है निकालने में। अभी हम गाँव की सड़कों में भी चलेंगे, गाँव की सड़कों में भी आपको दिखाएंगे कैसी गाड़ी चलाई जाती है। तो गाँव की गलियों में भी बहुत टिपिकल हो जाता है यार गाड़ी चलाना, लेकिन हमें यूज टू, क्योंकि हम अपने गाँव से जो है जुड़े हुए हैं काफी पुराने टाइम से और आते जाते रहते हैं। तो मैं किया हो किया निकाल लेता हूँ यहाँ से, या फिर इटियोज हो अपनी, ये इसकी आदत हो गई है, इसको कैसे भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, इसकी ऐसी आदत पड़ी हुई है कहीं से भी निकलवा लो किसी भी रास्ते से। यहाँ से जो है अब नैरो रोड जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है गाँव की, ठीक है। अब यहाँ से गाड़ी निकालना मेन फेल होता है, जो यहाँ से गाड़ियाँ निकाल लेगा ना वो है परफेक्ट ड्राइवर, क्योंकि खाली रोडों पे और वैसे रोड पे तो हर कोई निकाल लेता। अब जैसे ऊंचा है ये, यहाँ में क्या करना है, हमारी गाड़ी नीचे है ना, हमें टेढ़ी करके निकालनी है। टेढ़ी करके निकालने से ये होता है कि आपकी गाड़ी नीचे से लगती नहीं, क्योंकि चारों पहिए कुछ डायगनल एंगल में निकलते हैं, तो जिसकी वजह से गाड़ी नीचे से टच नहीं होती है। अब ये देख लो आगे कितनी नैरो रोड है, कुछ लोग होंगे यहीं डर जाएंगे निकालने में, लेकिन नहीं, आराम से निकल सकती है गाड़ियाँ, ये देखो आराम से बिल्कुल। अब हमें यहाँ राइट मुड़ना है, जगह बिल्कुल कम है, घुमाओ गाड़ी और निकाल लो, ठीक है। आपको ना कभी कभी गांव में क्या होता है, नालियों में भी उतारने पड़ जाते हैं गाड़ी, क्योंकि कभी कभी बिल्कुल जगह ही नहीं होती निकालने की, बिल्कुल ऐसा रहता है नैरो रोड, तो उसमें आपको नाली में भी उतारनी पड़ जाती है गाड़ी। तो भाई एक्सपीरियंस चाहिए और थोड़े से तुम्हारे भाई के जैसा कोई टिप देने वाला होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। अब यहाँ कोई नया बंदा होगा तो गाड़ी छीन लेगा इधर उधर से। अब यहाँ देखो आप, यहाँ से बिल्कुल प्यार से ऐसे करके और ये निकल गई, ठीक है। अब ये आ चुका है अपना घर लेफ्ट साइड पे, ये देख सकते हो आप। अब गाड़ी हम चढ़ाएंगे यहाँ से अंदर, तो आप कुछ यहाँ से देख पाओगे कि इस वाले गेट में हमें गाड़ी घुसानी है।
तो यहाँ से आप कैसे घुसाओगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। गेट में मतलब जगह कम है और एक गेट भी थोड़ा सा ना कम खुलता है, तो मैं गाड़ी पहले थोड़ी सीधी लूंगा फिर काटूंगा फिर गाड़ी घुसेगी, क्योंकि ये जो एरिया ये भी लग सकता है मेरी गाड़ी में, तो ध्यान तो रखना पड़ता है। और हमें ये पता होना चाहिए कितने एरिया में कितनी गाड़ी कटेगी। अब ये देखो आगे से कुछ लोगों को लग रहा होगा गाड़ी टच हो जाएगी, लेकिन गाड़ी अब भी बहुत प्यार से निकल जाएगी। थोड़ा गेट और खोल दे, ये देखो ये निकल गई। तो वही है कि गैप वाली बात पता होनी चाहिए कितने में हमारी गाड़ी बच सकती है कितने में नहीं बच सकती। धूप हो रही है तो थोड़ा छांव में लगाते हैं गाड़ी को। और वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।